Cut one's off, Jason! क्या करी थी यार, कसूर क्या था? आज तक हमारे इतने बच्चे थे, कसूर किया है रैम ने हर साल पूरे। ऐ रहबरे मुल्को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा? सानेहे साहिवाल पर उठने वाले सवालों का जवाब नहीं मिला। जुल्मों बर्बरियत की इंतहा, अहलकारों ने कत्ल भी किया और लूटा भी। हम भी दहशत गर्द हैं, हमें भी मार दें। मुतासरा खानदान का हुकूमत से हकायक सामने लाने का मुतालबा। कुछ भी नहीं मिला, बैग में दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े। भाई के पास तकरीबन 1 लाख रुपए नकद था, 2 तोले की चेन थी गले में, 1 तोले की अंगूठी थी। भाभी के पास 4 तोले सोने का सेट था। मिर्जा आसफ CTD अनचारज साहिवाल पहला फेयर इसने किया। सानिहा साहिवाल के 48 घंटे बाद भी पंजाब हुकूमत खाली हाथ। उस्मान बुज़दार को GIT रिपोर्ट का इंतजार। वज़ीर आला कहते हैं ऐसे ही किसी को उठाकर फांसी नहीं दे सकता। GIT रिपोर्ट कल आ जाएगी, फिर देखना हुकूमत क्या करती है। आला पुलिस अफसरान का महकमा दाखिला पर दबाव, 10 वाकया दुरुस्त, 1 गलत हो गया तो क्या हुआ? पुलिस अफसरान का मौकिफ, 16 नामालूम में से 5 का पता चल गया। सानिहा साहिवाल में मुलविस अहलकारों के नाम मंजरेआम पर ऑपरेशन CTD सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की कयादत में किया गया। कलेजा गम से फट रहा है, दिल भी अब फिगार है। ये कौन चल दिया यहाँ, हर आंख अश्कबार है। मक्तूल खलील के घर ताजियत करने वालों का तांता। सानहे साहिवाल के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, वकला की हड़ताल। बुरे वाले कहा कि नहीं वो दहशत गर्द था, फिर ये कहा कि इनके, ये भी बात सामने आ गई कि ड्राइवर का जो भाई है, जो डॉल्फिन, जो पुलिस की फोर्स है, उसमें वो मुलाजिम है। मैं पूछता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 24 घंटे में ये 6-7 कलाबाजियां खाई क्यों? सानिहा साहिवाल पर कौमी असेंबली में गर्मा गर्मी। शहबाज शरीफ बोले, पंजाब हुकूमत ने 24 घंटे में 7 कलाबाजियां खाई। मासूम बच्चे ने बयान देकर सानिहा साहिवाल का पोल खोल दिया। हम धरने नहीं देंगे लेकिन इनको बैठने भी नहीं देंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वज़ीर आला फूल लेकर बच्चों के पास चले गए, क्या लाशों वाले घर में जाकर फूल दिए जाते हैं? क्या रियासत मदीना में ऐसा होता है? खुदारा अब तो रियासत मदीना कहना छोड़ दो। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और विपक्ष की हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए। कौमी असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन बागों पर सियाह पट्टियां बांधकर शरीक हुई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज इन टोटल डिसरे। ये तो वसीम अकरम थे उनके। अगर वसीम अकरम का ये हाल है तो हमसे तो कोई बैटिंग सेटिंग जो है वो विकेट नहीं ली जा सके। एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा। इधर ये ट्रेजेडी हुई हुई है, कतर चले गए हैं, आज भी राव अनवार दनदनाता फिर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ कप्तान और खिलाड़ियों पर बरस पड़े, कहा पंजाब में हुकूमत की रेट खत्म हो गई। वजीर आला पंजाब वजीर आजम के वसीम अकरम है तो ऐसा वसीम अकरम नहीं चाहिए। इधर सानिहा हुआ है और वजीर आजम कतर चले गए, राव अनवार को सजा दी जाती तो आज ऐसा वाकया ना होता। मॉडल टाउन का सानिहा हुआ, किसी को सजा मिली? मैं कहती हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और जो ख्वाजा आसिफ बातें कर रहे थे, फ्रॉम एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं कि राव अनवर का अगर उस वक्त तो सजा मिल जाती, उसके खिलाफ एक्शन होता तो शायद ये चीजें अपना हो रही होती। क्यों आपने राव अनवर को खुला छोड़ा? क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? ऑपोजिशन के एहतजाज के जवाब में हुकूमती वुजरात ताने देते रहे। शीरी मजारी के ख्वाजा आसिफ को ताने, बोली ख्वाजा आसिफ को राव अनवर की दहशत गर्दी का गम था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? मॉडल टाउन वाके पर किसी को सजा मिली? हम वही भुगत रहे हैं जो आपने पंजाब पुलिस के साथ तबाही मचाई। मुराद सईद ने भी पुराने वाकयात पर तवज्जो मरकूज रखी। वजीर मुमलिकत दराए दाखला शहरियार आफरीदी ने कहा, जिम्मेदारों को मिसाल बनाकर रहेंगे।
दहाड़े कत्ल पर जेआईटी बनते नहीं देख, पर्चे पे पर्चा बन रहा है, जेआईटी पे जेआईटी बन रही है। कल हम में से कोई भी बाहर निकले चेयरमैन साहब, गेट वन से निकले, कोई आके दरवाजा खोल ले, वो दहशतगर्द हो, आप मेरा सीना छलनी कर दे या मेरी बेटी का सीना छलनी कर दे खुदा ना खास्ता, तो कौन पाकिस्तान में, हु इज सेफ इन पाकिस्तान। सेनेट में ओपोजिशन ने सानहे साहिवाल पर बनने वाली जीआईटी मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालिबा। सीटीडी कार्रवाई पर सवालात उठा दिए। शेरी रहमान कहती है, मेरा और मेरी बेटी का कोई सीना छलनी कर दे तो यहाँ कौन रहेगा। सिराजुल हक ने कहा, ये संगीन मामला है, जुल्म हुआ है, एक खानदान को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। चौबीस घंटों में इस हुकूमत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, छह और सात बार यू टर्न लिया है अपने बयानात में। ये बहुत संगीन मामला है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, कत्ल हुआ है और एक खानदान को सफाई हस्ती से मिटाया गया है। सानहा साहिवाल पर अवाम का गम और गुस्सा काबिले फहम और जायज। कौम यकीन रखे, जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा मिलेगी। पुलिस में फौरी इस्लाहात होगी। वजीर आजम का कतर से वापसी पर अहम इकदाम का ऐलान। वज़रा के बयानात पर इमरान खान का इजहार बरहमी। क्या जिशान दहशतगर्द था? ऑपोजिशन ने अहम सवाल उठा दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, उसका भाई लाहौर में डॉल्फिन फोर्स का एहलकार है, किसी भी पुलिस एहलकार की सिक्योरिटी के वक्त उसके रिश्तेदारों की भी मालूमात ली जाती है। सानिहा साहिवाल में निशाना बनने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट क्यों उतार ली गई? क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं? पुलिस का एसओपी क्या है? एक एक पहलू पर सवाल उठने लगे। सानिहा साहिवाल की जेआईटी का जाय वकुआ का दौरा। टीम ने जाय वारदात का मुआयना किया। टीम ने एनी शाहिदीन के बयानात लिए। सोशल मीडिया वालों में पंजाब के हुक्मरानों के बारे में गम गुस्से की लहर। लोग आज भी वाकये पर शदीद बरहम। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। चीफ मिनिस्टर साहब ने सेक्रेटरी जीए को इस बात की ताकीद की है कि अगले दो हफ्ते के अंदर इसके ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए ताकि ये जो गाड़ियां एक्सेसिव पड़ी हैं इनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकें और बेहतर तरीके से सिंध की आवाम की खिदमत कर सकें। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात पर भी इजहार बरहमी किया कि ये जो फेक नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ शहर में चल रही होती हैं और आए दिन हम देखते हैं कि वारदातें भी उन गाड़ियों में होते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने मिनिस्टर एक्साइज को कहा और सेक्रेटरी होम को कहा कि एक ऐसी डेफिनेटिव स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसके तहत हम इन गाड़ियों की रोकथाम कर सकें। कोई इदारा एहतसाब से बालातर नहीं, मुशीर इत्तला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ऐसे वाकयात होंगे। सबकी तरह पुलिस का भी एहतसाब होना चाहिए। हब में बेला के करीब बस और मस्जिद में खौफनाक तसादुम। बस में आग भड़क उठी, 16 अफराद जां बहक, मुतादिद जख्मी। मुसाफिरों को बस से निकालने के लिए रेस्क्यू अमल जारी। मियां नवाज शरीफ के सेहत के बारे में मरियम का इजहार तशवीश। कहती हैं, मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं। नवाज शरीफ को कल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लेकर जाया जा रहा है। मुझे या फैमिली को इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। बड़ों की इस्लामाबाद में अहम बैठक। काफ लीग पंजाब और मरकजी हुकूमत दोनों के मामलात से नाला। हर मामले और फैसले से ला ताल्लुक रखना नाकाबिले कबूल है। काफ लीग को मुल्की उमूर चलाने के तरीकेकार पर भी शदीद तहफ्फुज़ात। मामलात बराह रास्त वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। कामिल अली आगा कहते हैं, वज़ीर आज़म का यही रवैया रहा तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई के सरबरा इमरान खान इसका कितना नुकसान देते हैं, क्योंकि हमारी शिकायत बड़ी जायज है और हम गुज़श्ता कई माह से अपनी शिकायत जो है उन तक पहुंचाते रहे हैं। और असल बात तो ये है कि पीटीआई के अंदर जो असल कमी है वो मशावरत की।
تحریک انصاف کے اتحادی ایک ایک کر کے ناراض ہونے لگے۔ ڈی این پی، بی اے پی اور کاف لیگ کے بعد جے ڈی اے کے بھی تحفظات۔ وزیر اعظم عمران خان کا کانگڑا جانے کا پروگرام منسوخ۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے میں وزارتوں کے معاملے پر اختلافات ہیں۔ کیا پنجاب کی سیاست میں نیا بھونچال آنے کو؟ شاہ محمود قریشی کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے مشاورت۔ الیکشن کس حلقے سے لڑا جائے، صلاح مشورے جاری۔ شاہ محمود قریشی الیکشن سے پہلے وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کی الزیزیہ ریفرنس میں اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر نیب کو نوٹس، 3 ہفتے میں جواب طلب۔ نواز شریف اثاثوں کے اصل مالک نہیں، اس کے باوجود سزا سنائی گئی۔ خواجہ حارث کا موقف، جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ریکارڈ آنے دیں، پھر اس معاملے کو دیکھیں گے۔ فی الحال اپیل اور سزا معطلی کی درخواست کو الگ نہیں کر رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کی درخواست خارج کر دی۔ آئندہ اسی درخواست پر جرمانہ بھی ہوگا۔ جسٹس اظہر من اللہ کے ریمارکس، عمران خان کے خلاف گوشواروں میں معلومات کو چھپانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ شہباز شریف کی بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تقرری کے خلاف درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے 31 دسمبر کو درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ آج سنایا جانا تھا۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اس جی آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، سیاسی انتقام پر پنجاب حکومت کی جانب سے جی آئی ٹی بنائی گئی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں فرد جرم لگ چکی ہے۔ ملک بھر میں پانی سے بھرے بادلوں کا مٹر گشت، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اور کہیں برف باری۔ لاہور میں رات سے وقفے وقفے سے بارش، ژالہ باری بھی ہوئی۔ اسلام آباد، گوجرانوالہ، سرگودھا، بہاڑی، بورے والا اور میلسی میں بادل برسے۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ علاقوں میں برف باری کی ایک اور شاندار اننگز۔ ملکہ کوسار میں سفید موتیوں کی برسات، کالام، مالم جبہ، میاندم اور مرغزار کے پہاڑوں پر بھی برف باری۔ غزر میں 3 روز سے برف باری جاری، شاہراہ کراکرم بند۔ کنجراب کا درجہ حرارت منفی 21 ڈگری ہو گیا۔ بادلوں کا شہر قائد کا بھی دورہ، کراچی میں وقفے وقفے سے رم جھم۔ تیز بارش سے سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں 16 سالہ ملازمہ عثمہ کو قتل کر کے نالے میں پھینک دیا گیا۔ عثمہ کو سر پر بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا، سینے پر بھی چوٹ کے نشانات۔ عثمہ ماروخ کے گھر ملازمت کرتی تھی۔ والدین کا کہنا ہے مالکن کا فون آیا، عثمہ زیورات چرا کر فرار ہو گئی۔ مقدمہ درج، ماروخ سمیت 2 افراد گرفتار۔ خون سفید ہو گیا، رائیونڈ میں زمین کے تنازع پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ باشوک علی نے 1 سال قبل مقتول اشرف کے بیٹے کو بھی قتل کیا تھا۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے میاں بیوی زخمی، شوہر کے سر کو چھوتی گولی بیوی کی پسلی میں لگی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اہلکاروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔